झेलम का अहम कारोबारी मरकज रेलवे रोड शहर के वस्त में वाके है। हालिया बारिशों से यहां का सेवरेज निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। सड़कों पर जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने से राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। गंदे पानी से उठती बदबू की वजह से खरीदार कारोबारी इलाके का रुख नहीं कर रहे, जिसका नतीजा कारोबारी सरगर्मियों का ठप होना और ताजर तबके का करोड़ों रुपए का नुकसान है। एक माह कबल रेलवे रोड के सेवरेज निजाम के लिए 16 लाख रुपए की लागत से लाइन बिछाई गई थी, लेकिन हालिया बारिशों ने इस नई सेवरेज लाइन की कलाई खोल दी है। प्लासी से लेके सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक दे चुका हूँ। मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि एक दफा भी किसी ने आके हमें ये पूछा हो कि आपको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से। मैं तकरीबन 30-35 साल को देते लोग रह रहे हैं, लेकिन ये जरा कुछ अर्से तो ये सड़कों आ रही है कि बल्दी और टी एम ए सारे जो एसएल महकमे तमाम गायब गए इन बंद कर दे रही हैं, लेकिन इसे सर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जैसी बारिश होती है या यहाँ ये जो है पानी बाहर आ जाता है, बदबूदार है, खड़ा होना मुश्किल है। बारिश के बाद पानी कई कई दिन सड़कों पर खड़ा रहता है, जिसके बायस इलाके में मच्छरों और मक्खियों की बहुतात हो गई है और मुख्तलिफ बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। शहरियों और ताजरों का मुतालबा है कि टीएमए सेवरेज का निज़ाम बेहतर बनाए ताकि अहले शहर को गंदगी और गंदे पानी के अजाब से निजात मिल सके। राजा वकार, आज न्यूज़, जेहलम।